दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वेज सैंडविच। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे खाने की खुशबू आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, तो वेज सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कट किया है प्याज, टमाटर, खीरा और कैप्सिकम। कैप्सिकम चाहिए तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है नमक, थोड़ा सा चाहिए हमें चाट मसाला, थोड़ी सी चाहिए हमें काली मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने लिया है अमूल का बटर, और यहाँ पे मैंने ये ली है ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी मैंने घर पे बनाई है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये सैंडविच की चटनी कैसे बनाते हैं घर पे। ये बहुत ही टेस्टी चटनी है सैंडविच के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये सैंडविच ब्रेड। अब ब्रेड को लेके हमें उस पर पहले बटर स्प्रेड करना है। इस तरीके से दोनों साइड हम बटर स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस पे लगाएंगे ये सैंडविच की ग्रीन चटनी। ये चटनी आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल किनारों तक स्प्रेड करना है चटनी को। इस पे रखेंगे ये वेजिटेबल्स इस तरीके से। अब हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा नमक, काली मिर्च और चाट मसाला। उसके पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं केचप दूसरी साइड। अगर आपको केचप नहीं ज़्यादा पसंद तो आप चटनी, ग्रीन चटनी दोनों साइड लगा सकते हैं। नमक के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से। अब इस ब्रेड से इसको ढक के, ये देखिए यहाँ पे मैंने तवा गरम किया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा बटर। बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब हम इसमें रखेंगे अपनी सैंडविच। दूसरी साइड भी हम थोड़ा बटर लगा देते हैं ताकि फ्लिप करने पे बटर दूसरी साइड भी लगा रहे। इसको ढक के अब 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। ये 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ। फ्लिप करके इसको दूसरी साइड से भी 2 मिनट पकाऊंगी। ये देखिए दूसरी साइड चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैंडविच दोनों साइड से पक गई है। अब हम इसको निकालेंगे, कट करके देखेंगे इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी सैंडविच बन के रेडी हुई है। आप इसको घर पे जरूर ट्राई करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।